एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। एंड आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है रिगार्डिंग, बिकॉज टुडे व्लॉग इज़ ऑल अबाउट रक्षाबंधन व्लॉग। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं मतलब अपने ब्रदर के नियर में ही एज अ नर्सिंग ट्यूटर पोस्टेड हूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उन लोगों को मैं सरप्राइज दे दूँ। तो मैंने अभी तक अपने घर वालों को और नहीं इन्फॉर्म किया है कि हाँ मैं आ रही हूँ एज अ रक्षाबंधन मतलब सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट सुबह के 4:30 हो रहा है एंड मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों को सरप्राइज़ किया जाए। मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब जब ट्रेन में चली जाऊँगी एंड जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी मेरी जो डेस्टिनी है, तो उसके बाद करूँगी दैट कि मैं आ गई हूँ। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ रहेगा। तो अभी जल्दी से रेडी मतलब ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा लिटरली नींद आ रहा, बिकॉज जो मॉर्निंग की ट्रेन होती है उसको कैच करना दैट इज़ अ मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग्स कि आप सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ रहे हैं। तो अभी राइट नाउ 4:30 हो रही है एंड 5:45 मेरी ट्रेन है। तो अभी जल्दी से जाते हैं, जो भी कुछ चीज़ें बची हुई है वो पैक करेंगे एंड होपफुली उन लोगों को सरप्राइज़ देते हैं। तो सो फाइनली मैं रूम से निकल गई हूँ एंड स्काई जो है पूरी तरह से क्लाउडी क्लाउडी हो रखी है, बिकॉज रेनी भी होने वाली है। एंड मैं अपने ट्रेन का वेट कर रही हूँ एंड फाइनली मेरी ट्रेन जो है वो आ गई है। तो सो गाइज फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ अपने भाई लोग के पास एंड अभी मेरा जो है शक्ल देख के आप लोग इस पर मत जाइएगा, बिकॉज अभी मैं तुरंत यहाँ आई हूँ, तो दैट्स वाई थोड़ी सी हरासमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही है एंड मेरा चेहरा थोड़ा डल लग रहा है। बट होप सो अब राखी की रिचुअल्स जो होगी वो 1:30 से स्टार्ट होगी, तो उसके बाद मैं जाती हूँ थोड़ा सा फ्रेशन अप होती हूँ एंड जो भी प्रिपरेशन करूँगी रिगार्डिंग राखी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो गाइस फाइनली मैं शावर वावर ले ली एंड थोड़ी सी फ्रेश हो गई हूँ एंड अभी भी राखी में ऑलमोस्ट 1.5 आवर लेफ्ट है। तो अभी मासी जो है वो टेंपल गई हुई है वर्शिप के लिए एंड मैं और मेरे दोनों अनमोल रतन, एक तो उधर बिजी है एंड दूसरा मुझे गेमिंग सिखा रहा है। रिगार्डिंग दीदी चलो तुमको गेम सिखाता हूँ, राखी का गिफ्ट भैया कैडबरी चुरा के दे दूंगा आपको। क्या कर देंगे भैया? कैडबरी रखे हैं दो, एक को मैं आपको दे दूंगा, एक को भैया आपको दे देंगे। ओके, तो मैं अभी गेमिंग सीखती हूँ। सो गेम खेल लेने के बाद थोड़ी सी उसके बाद मौसी भी वर्शिप करके आ गई थी टेंपल से, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए क्योंकि अभी राखी की रिचुअल्स में ऑलरेडी टाइम था। तो हम लोगों ने गरम गरम पूड़ी खीर एंड पनीर की सब्जी खाई एंड इधर मेरा भाई जो है वो मतलब पता नहीं किस चीज़ में बिजी है इतना ज़्यादा एंड सेकेंड वन इज़ आप देख ही रहे हैं गाइस क्या कर रहा है ये। तो एज अ फनी पार्ट मतलब ये भी अपने में इंजॉय होके खाना खा रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने मिलके सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। फ्यू मोमेंट्स लेटर सो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट मौसी ने मुझे सडन सरप्राइज़ दिया दैट वी आर गोइंग फॉर माई राखी गिफ्ट एंड मैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी गाइज, बिकॉज मुझे यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गया था एंड ये सारी चीज़ें मेरे लिए वही यादगार थी, बिकॉज पहले भी हम लोग ऐसे ही ट्रैवल करते थे। सो गाइज फाइनली हम तीनों भाई बहन रेडी हो चुके हैं अपने राखी के लिए एंड आवर राखी आउटफिट इज नेवी ब्लू, क्योंकि हम तीनों ने थीम रखा कि हम लोग नेवी ब्लू एंड ऑफ वाइट राखी थीम रखेंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द राखी थाली, जो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं प्रिपेयर करती हूँ। एंड मैंने कुछ राखियाँ जो है परचेज की है जो कि बहुत अच्छी है, जिसमें एक एवल आइस वाली भी राखी है जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो अभी मैं राखी की थाली प्रिपेयर करती हूँ एंड आप लोगों को वो दिखाती हूँ। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से राखी की सारी थाल जो है प्रिपेयर की, जो भी मैंने राखी बाय की थी अपने ब्रदर्स के लिए वो सारी चीज़ें मतलब राखी को प्रॉपर अरेंजिंग फॉर्म में किया एंड मौसी विल आल्सो हेल्पिंग मी टू अरेंज माय राखी थाली। तो अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें एंड बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस वाली फीलिंग हो रही थी इस चीज़ को करके। Thank you.
फाइनली मैंने अपना राखी की थाली जो है पूरी तरह से प्रिपेयर कर ली, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड उसके बाद थोड़ा सा अपना राखी आउटफिट भी मैंने इन्हेंस किया। देन आफ्टर मौसी ने बोला कि मैं सबसे पहले, मतलब जो बाल गोपाल है उनको राखी मतलब टैग कर देती हूँ, बिकॉज रिचुअल्स के अनुसार जो है सबसे पहला भोग और सबसे पहली जो भी मतलब वर्शिप वगैरह होती है उनकी होती है। तो मौसी जल्दी जल्दी से बाल गोपाल की पूजा कर रही थी एंड फिर जल्दी से उनको राखी वगैरह ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। एंड गोपाल जी को भी राखी जो है वो टैग हो गई, तो देख के बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड ब्लू कलर के मतलब पगड़ी में बाल गोपाल देखने में भी कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर लास्ट में उनको स्वीट्स की भोग दी गई। Few moments later. Now it's time for रक्षाबंधन celebration, guys. And मैंने दोनों भाइयों की कलाई पे जो है राखी टैग कर दी एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस एंड पावरफुल मोमेंट होता है एवरी सिस्टर के लिए, क्योंकि ये ईयर में एक बार आती है, बट इसकी बहुत सारी हैप्पीनेस जो है मेमोरी जो है हम लोग आपस में क्रिएट करते हैं। एंड मेरा छोटू सा गोलू सा ब्रदर जो है बहुत ज़्यादा फनी था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इन दोनों के साथ अपना राखी सेलिब्रेट करके। एंड उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें क्लिक की। तो ये था मेरा पूरा राखी का सेलिब्रेशन गाइस। सो फाइनली गाइस हमारा राखी सेलिब्रेशन जो है वो खत्म हो गया एंड वी ऑल आर एंजॉयिंग आवर राखी सेलिब्रेशन। एंड ये एट द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम है जब मैं यहाँ के लोगों को राखी मतलब टैग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेटली वाला मोमेंट क्रिएट हो रहा था। तो कैसा लगा वो राखी सेलिब्रेशन आपको? अच्छा लगा। ऐसे वियर्ड वाला चेहरा करके अच्छा लगा, क्यों वियर्ड वाला चेहरा करके? अच्छा वाला रिस्पॉन्स करो। आई डोंट नो। यू डोंट नो? राखी इज गुड। And how many rakhis in your hand? Tell me. Six. Yes. Which rakhi is your favorite rakhi? That. Which one? Yeah, that. This one. With the red gem. Okay. And evil eyes. Yeah. Evil eyes. आपको जितने भी बैड वाले नजर्स होते हैं ना उनसे प्रिवेंट करेगा ये, एक तरह से नजर सुरक्षा वाला चीज है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा नजर सुरक्षा। हाँ तो बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टाटा गुड बाय। तो जैसा आप लोगों ने सुना गाइस, तो प्लीज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू ऑन द बेल आइकन, क्लिक द बेल आइकन। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको जो भी मेरे वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन भेजना है तो प्लीज कमेंट इन माई कॉमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं आपसे अगले और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।